Rahul sir, do you want to say something, sir? Parliament is demanding for. Wester is welcome in the parliament. If they allow me to speak in parliament, then I will say what I think. पूरा हफ्ता हो गया इंतजार करते. Thank you very much, sir. लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए सदन इंतजार कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने देश को अपमानित करने का काम किया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे, फिर टुकड़े टुकड़े करने वाले देश को और नामोनिशान मिटाने वाले देश को उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं, फिर अपने साथ चलाते हैं. अब जो उन्होंने सिखाया वो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं. सदन में आए, माफी मांगे. और ये भी कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये वेल हैच कॉन्स्पिरेसी. अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को कि सरकार की वेल हैच कॉन्स्पिरेसी. देखिए, देश की बदनामी और संसद का अपमान कांग्रेस के नेता विदेश में जाकर करें और ठीकरा दूसरों पर फोड़े, इनकी पुरानी आदत है. ऑर्डिनेंस अपनी सरकार का फाड़ें, नॉनसेंस बोलें, राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है. राजीव गांधी जी का बंच ऑफ जोकर्स प्लानिंग कमीशन के सदस्यों को कहना, ना जाने दोनों बार मनमोहन सिंह जी ने कैसे इस अपमान को सहा होगा. कांग्रेस के लिए देश से ऊपर एक परिवार है और ये आज नहीं पहले भी कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया. वो अभी भी इनके लिए वही चल रहा है. दुर्भाग्य ये है कि सदन से माफ़ी मांगने की बजाय ये उल्टा सदन को कोसते हैं, सांसदों को कोसते हैं, स्पीकर के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं. सच्चाई ये है, किसी भी विषय पर इनको बोलने से कभी नहीं रोका. सर, एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेडी के सांसद सस्मित पात्रा, उन्होंने कहा है बाहर में कि देश में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात हो रही है. निश्चित तौर पर देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ रहा है. तभी तो भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना. जिस हाल में कांग्रेस छोड़ के गई थी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में, आज फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आई है. लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था नहीं, आज एक सशक्त 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की बनी है. आज दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं. लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें. और देश के बारे इस तरह के विचार रखना, ये दुर्भाग्य है जी. ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए.